गुजराती अपने बिजनेस सेंस की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनका बेसिक सा फंडा होता है बाय एट लो प्राइस एंड सेल एट हाई प्राइस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया से दूर अमेरिका में एक ऐसी इंडस्ट्री की जहां सिर्फ 80 सालों में गुजरातियों ने अपने हार्डवर्क और बिजनेस सेंस की वजह से आधी से ज्यादा इंडस्ट्री पे कब्जा कर लिया, और ये इंडस्ट्री है अमेरिकन होटल एंड मोटल इंडस्ट्री। एशियन अमेरिकन होटल ओनर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में जो टोटल होटल एंड मोटल्स हैं उसमें से 40% इंडियन अमेरिकन चलाते हैं, जिसमें 20,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज आती हैं और इनमें से 70% के मालिक गुजराती हैं। अमेरिका की होटल एंड मोटल इंडस्ट्री में गुजराती $40 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और लगभग 6 लाख जॉब्स क्रिएट करते हैं। लेकिन ये सब गुजरातियों के लिए इतना आसान नहीं था, इसके पीछे था उनका स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंड और उनका हार्डवर्क। इसकी शुरुआत होती है 1942 में, जब गुजरात से कांजीभाई मंचू देसाई न्यू अपॉर्चुनिटीज की तलाश में अमेरिका आए। इन्होंने अपने दो दोस्तों के साथ सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में एक 32-रूम होटल सस्ते रेट्स में खरीद लिया, क्योंकि इसके जैपनीज ओनर को World War II की वजह से जपान रिपोर्ट करना था। कुछ टाइम बाद कांजीभाई ने अपने गुजराती साथियों की मदद से ही सैन फ्रांसिस्को के एक होटल गोल्डफील्ड को भी खरीद लिया। साथ ही 1965 में आए द इमिग्रेंट एंड नेशनलिटी एक्ट ने गुजरातियों की अमेरिका में बसने में काफी मदद की। इससे पहले नॉन यूरोपियन कंट्रीज के इमिग्रेंट्स को US में बसने के लिए काफी रेस्ट्रिक्टेड कोटा होता था, और इस एक्ट को लाके इस कोटा को बढ़ाया गया। इस एक्ट ने गुजरातियों के लिए अमेरिका के दरवाजे खोल दिए और उन्हें अमेरिका आकर अपने सपने पूरे करने का मौका मिल गया। धीरे धीरे युगांडा, UK, इंडिया, पाकिस्तान से गुजराती आकर अमेरिका में बसने लगे, और 1980 तक गुजरातियों की सेकंड जनरेशन ने इस बिजनेस को एक्वायर किया और इसे आगे बढ़ाया, और 2007 तक अमेरिका की 42% हॉस्पिटैलिटी मार्केट पर गुजरातियों का कब्जा हो गया। ऐसी ही एक स्टोरी है गुजरात के ही चंद्रकांत पटेल की, जो कि 60s में हायर स्टडीज के लिए गुजरात गए और एक डोमेस्टिक एयरलाइंस में एग्जीक्यूटिव की जॉब करने लगे, और धीरे धीरे इन्होंने शादी कर अपनी फैमिली बसा ली। 1976 में इन्होंने डेलास के अलामो प्लाजा होटल को खरीद लिया और डेलास के फर्स्ट इंडियन होटल ओनर बने। इन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ अपनी वाइफ के साथ मिलकर अपने होटल को चलाना जारी रखा और कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा, और होटल के छोटे मोटे काम जैसे लॉन्ड्री और साफ सफाई ये खुद ही कर लिया करते थे। इसी तरह रेंट और लेबर कॉस्ट बचाकर इन्होंने काफी सेविंग की और अपनी जॉब को क्विट कर फुल टाइम बिजनेस संभाल लिया। इसी तरह कई गुजराती एक होटल को परचेज करने के बाद अपनी फैमिली के साथ उसी होटल में रहना शुरू कर देते थे, और क्लीनिंग, गेस्ट चेक इन जैसे काम ये खुद ही कर लेते थे, जिससे इनकी लेबर कॉस्ट रिड्यूस होती थी और प्रॉफिट इंक्रीज होता था। 1987 तक चंद्रकांत पटेल 13 मोटल्स के मालिक थे। इसके बाद इन्होंने इस बिजनेस को अपने बच्चों को हैंड ओवर कर स्टेट बैंक ऑफ टेक्सास की शुरुआत की, जो कि इमिग्रेंट्स को अफोर्डेबल लोन्स दिलाने और उनकी बिजनेस में फाइनेंशियल हेल्प का काम करता था। और 2018 तक इनका ये बिजनेस भी एक सक्सेसफुल वेंचर बना, जो कि $3 बिलियन की एसेट्स के साथ ये अमेरिका के टॉप 100 कम्युनिटी बैंक्स में से एक था। अब बात करते हैं अमेरिका की इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में गुजरातियों की सक्सेस के पीछे जो पॉइंट्स थे उनके बारे में। नंबर 1, स्ट्रांग कम्युनिटी एंड फैमिली टू रिलाई ऑन। गुजराती पटेल कम्युनिटी आपस में भी और अपनी फैमिली के बीच भी एक स्ट्रांग बॉन्ड शेयर करते हैं। कांजीभाई देसाई ने अपनी कम्युनिटी को हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में एंट्री के लिए एक कोट दिया था, इफ यू आर पटेल लीज ए होटल। ये कोट गुजरातियों में काफी पॉपुलर था। साथ ही इन्होंने कम्युनिटी में हैंडशेक लोन की शुरुआत की, जिसमें जरूरत पड़ने पर गुजराती लोगों को बिना किसी सिक्योरिटी और इंस्टॉलमेंट के लोन मिल जाता था, और ये जब चाहे इसे लौटा सकते थे। नंबर 2, स्ट्रांग वर्क एथिक। गुजराती मोटल ओनर्स अतिथि देवो भव में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। ये अपने कस्टमर्स की कंफर्ट और उनकी फैसिलिटीज का पूरा ध्यान रखते हैं, और छोटे मोटे कामों के लिए किसी थर्ड पार्टी को हायर करने की जगह ये उन कामों को खुद ही कर लेते हैं। नंबर 3, एबिलिटी टू मेक स्ट्रांग एंड क्विक बिजनेस डिसीजन। गुजरातियों के पास एक अच्छा बिजनेस सेंस होता है, इसलिए हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं। एक सेकंड जनरेशन गुजराती इमिग्रेंट विनय पटेल, जो करंटली वाशिंगटन में हॉलीडे इन रन करते हैं, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि होटल्स को सस्ते रेट्स पर खरीद कर उसे बिल्ड कर महंगे रेट्स में सेल करना उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा। लेकिन सक्सेस इतनी आसान भी नहीं होती जितनी दिखाई देती है, और शायद ही बिना किसी चैलेंज के किसी को सक्सेस मिली हो। गुजरातियों को भी कई ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। गुजरातियों को अमेरिका में जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा वो था रेसिज्म और ज़ेनोफोबिया। अमेरिकन सोसाइटी में नॉन अमेरिकन लोग एक्सेप्टेड नहीं थे, और इन्हें या तो रेसिज्म टॉन्ट सुनने पड़ते थे या फिर डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता था। कुछ गुजराती मोटल ओनर्स को तो इससे बचने के लिए अमेरिकन रूरल एरियाज में अपनी प्रॉपर्टी पर अमेरिकन ओनर का बोर्ड लगाना पड़ता था, लेकिन अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से गुजरातियों ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। मोटल इंडस्ट्री अमेरिका में एक डायनेमिक और रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जहां अपनी एंटरप्रेन्योर स्पिरिट से गुजरातियों ने अपना दबदबा कायम किया है और चैलेंजेस के बावजूद लगातार ग्रोथ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते रहे हैं। और आज
अमेरिका के टोटल होटल ओनर्स में से 40-60% गुजराती हैं और 53,000 होटल्स में से 22,000 होटल्स को गुजराती ओन करते हैं और इनकी नेटवर्थ $40 बिलियन है। नए इनोवेशन को ना ट्राई कर गुजरातियों ने इस बिजनेस को अपनी कम्युनिटी में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया और गुजरातियों को जॉब्स और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते रहे, जो कि वर्ल्ड वाइड एक कम्युनिटी के बिजनेस सेंस ही नहीं, उसकी स्ट्रेंथ और यूनिटी का भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है।